आप देख रहे हैं एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज। एनसीआर और देश के मुख्य समाचारों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रसोई गैस की कीमत में की गई वृद्धि, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर पर धरना दिया और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। और समाजवादी पार्टी के तमाम जवान सिपाही कार्यकर्ता नेताओं, मैं आप सबके आपके जज्बे को आपके हौसले को सबसे पहले क्रांतिकारी सलाम करता हूं। आदरणीय साथियों, जब हम अभी रास्ते में आ रहे थे तो एक मिले थे गाड़ी वाले, उन्होंने कहा कि तुम जा कहां रहे हो। हमने कहा कि 150 रुपए। केंद्र सरकार ने उन गरीबों की जेबों पर डाका डालने का काम किया है और हमारे अखिलेश यादव जी के आह्वान पर गरीब मजदूर गाँव गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए आज कार्यालय का घेराव के लिए हम जा रहे हैं। तो उस गाड़ी वाले ने कहा कि हाँ, हकीकत में 150 रुपए का डाका जेब से डाला गया है और हमें दुख लगता है। सोचने का विषय यह है कि जब एक गाड़ी वाले सक्षम व्यक्ति को 150 रुपए का घाटा है तो दर दर भटकता हुआ नौजवान, फसलों का दाम मांगता हुआ किसान, वो विधवा महिला, वो बुजुर्ग, वो नौजवान, वो गांव गरीब मजदूर, उसकी जेब पर कितना बड़ा डाका डालने का काम किया गया, ये सोचने का विषय है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ और इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि सुना है तुझ में बहुत दम है, जा दिखा अपना दम, और तेरे सामने हम हैं, हम हैं। कहना चाहता हूँ जिस तरह से आपने देखा होगा जलियांवाला बाग कांड में, जिस तरह से जनरल डायर के एक इशारे पर हजारों हजारों हिंदुस्तानियों को, हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को गोली से भूनने का काम किया, ठीक उसी तरह से केंद्र में बैठे हुए मोदी जी के एक इशारे पर करोड़ों करोड़ों गरीबों की रोटी छीनने का काम किया है इन लोगों ने।